नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 12, लेट अस नो पार्ट 4। सो इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो वी कैन सी अ गुलिवर्स स्टोरी, राइट? इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अवर यूनिट Activity 5. Identify the tense of the sentence given below. हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, राइट? फर्स्ट वन इज ही लॉस्ट हिज वे। लॉस्ट पास्ट फॉर्म है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस आएगा सिंपल पास्ट टेंस, राइट? नंबर टू, मदर च्यूड द फूड। च्यूड यानी कि चबा के खाना, राइट? वो भी एक पास्ट टेंस है। सो द आंसर इज सिंपल पास्ट टेंस। नंबर थ्री, एक्सक्यूज मी सेड मीरा। सेड SAY से का पास्ट फॉर्म होगा, राइट? सो थर्ड का आंसर आएगा सिंपल पास्ट टेंस। नंबर फोर, द बेबी क्राइज। क्राइज यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर फाइव, दिस स्कॉल्डेड, सॉरी, शी स्कॉल्डेड हिम। स्कॉल्डेड स्कॉल्ड का पास्ट फॉर्म हुआ, इसलिए नंबर फाइव का आंसर होगा सिंपल पास्ट टेंस, राइट? तो ये सारे आंसर थे एक्टिविटी 5 के। आफ्टर दैट राइट 5 मोर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट एंड पास्ट ईच। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल प्रेजेंट एंड द सेकंड पार्ट इज सिंपल पास्ट, राइट? सो हियर फर्स्ट सेंटेंस इज आई फ्लू अ काइट। फ्लू को हो जाएगा, सॉरी, फ्लाई का हो जाएगा फ्लू। सो द आंसर इज आई फ्लू अ काइट, राइट? ऐसे ही नंबर टू, अ कैट ड्रिंक्स मिल्क। इसका ड्रिंक का होगा ड्रिंक। सो द आंसर इज अ कैट ड्रिंक मिल्क, राइट? नंबर थ्री, वी ईट डिनर। आंसर आएगा वी एट डिनर, राइट? नंबर फोर, मोहन ड्रो पिक्चर। मोहन ड्रू पिक्चर, राइट? नंबर फाइव, द टीचर टीचिस अस। आंसर होगा द टीचर्स टॉट अस, राइट? सो हियर एक्टिविटी 5 हैड कंप्लीटेड। आफ्टर एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, हियर आर अ फ्यू लाइन्स ऑन लाइफ। लाइफ पर हमें यहाँ पे बहुत लाइन दी गई है, यस। लाइफ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लाइफ का मतलब क्या होता है? डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न। लाइफ का एडवेंचर क्या है? टू लर्न यानी कि सीखना। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू ग्रो। लाइफ का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है लाइफ का? आगे बढ़ना, राइट? द नेचर ऑफ लाइफ इज टू चेंज। लाइफ का नेचर है समय अनुसार बदलते रहना। द चैलेंज ऑफ लाइफ इज टू ओवरकम। चैलेंज है लाइफ से कि हर एक सिचुएशन से बाहर निकलना। कैसी भी सिचुएशन हार्ड क्यों न हो, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। द एसेंस ऑफ लाइफ इज टू केयर। जीवन का सार देखभाल करना है, एक दूसरे का केयर करना। द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ इज टू शर्व। अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर कौन सा है लाइफ का? टू सर्व, हमारे पास है वो दूसरों
life is to dare. Life का secret dare है, यानी कि बहादुरी का काम, bravery. The spice of life is to be friend. Spice, जैसे खाने में स्पाइस से खाना ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे ही लाइफ में अगर फ्रेंड्स हो तो लाइफ और भी सुंदर हो जाती है, राइट? आपको भी अपने अपने फ्रेंड्स होंगे ना, राइट? जब आप बहुत ही सैड होते हो तो फ्रेंड्स के पास चले जाते हो, यस, अपना मूड ठीक करने के लिए. एंड द लास्ट लाइन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज टू गिव. और लाइफ की सुंदरता किसमें है? टू गिव, यानी देना. तो हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली हेल्प कर सकते हैं. किसी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो हम दे सकते हैं, राइट? तो ये एक पोयम थी फ्यू लाइन्स की लाइफ के बारे में. आफ्टर दैट Rewrite or summary the above lines in your own words. हमें ये जो lines दी गई है उसकी summary यानी कि paragraph बनाना है, right? So मैं एक बार ये paragraph read कर लेती हूँ. आपको अपने खुद के words में ये लिखना होगा. Life means different things to different people. Learning something is an adventure, while growing up is the main aim of life. Life means change, and the challenge of life is to face it bravely and win. The real meaning of life is to care for others, and to help others is the opportunity of life. Being brave is the secret of life, and being a good friend adds color to life. मैंने आपको बोला ना कि friends हमारी life को colorful बनाते हैं. The real beauty of life is to give to others. एक दूसरे की मदद करना, यही life को life की real beauty है. Yes. After complete activity 6, we will going to learn activity 7. Think and answer. हमें सोचना है और आंसर देने हैं. नंबर वन, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ इज टू लव एंड केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. लाइफ मीन्स हेल्पिंग एंड सर्विंग अदर्स. लाइफ मीन्स टू फेस डिफिकल्ट टाइम्स ब्रेवली, राइट? नंबर टू, Describe a difficult situation that you faced in life. आपने कभी अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है तो आपके खुद के वर्ड्स में ये लिखना होगा. मैंने जो डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ. लास्ट ईयर इट वॉज द टाइम ऑफ माई फाइनल एग्जाम्स. आई मिस्ड द स्कूल बस. आई वॉज लेट फॉर एग्जाम. माई फादर डिसाइडेड टू ड्रॉप मी टू on his scooter. We left our house on the way. Our scooter had a flat tire. Only 10 minutes were left for the exam to begin. I started crying, but father was calm. He called a rickshaw and dropped me to the school. I was just in time. Right. Number 3, write about the friend who helped you. आप अपने फ्रेंड के बारे में लिखो जो आपको हेल्प करता है. यस, ये आपको खुद ही कंप्लीट करना होगा. नंबर 4, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? आपकी महत्वाकांक्षा, आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है? सो इसका आंसर आप खुद ही लिख सकते हो. माई एम्बिशन इन लाइफ टू सॉरी माई एम्बिशन इन लाइफ इज टू अ टीचर. यस, एंड टीच द स्टूडेंट. आप अपने बारे में लिख सकते हो जो आपको बनना है. सो हियर एक्टिविटी 7 है कंप्लीटेड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.